हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड सिल्वर जोन ओलंपियाड के सोशल स्टडीज सब्जेक्ट से सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। साथ ही इसके सिलेबस पे भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि सिल्वर ओलंपियाड क्लास सेकेंड के हमने मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके के सैंपल पेपर एंड सिलेबस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि सिल्वर ओलंपियाड से रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप एक बार अवश्य देखें और अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। सोशल स्टडीज एक ऐसा पेपर है जो कि सिल्वर जोन ओलंपियाड ही इस सब्जेक्ट से ओलंपियाड के एग्जाम करवाता है। अदर ओलंपियाड में सोशल स्टडीज पेपर से ओलंपियाड नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर के सैंपल क्वेश्चन देखने से पहले इसके हम सिलेबस की बात करेंगे। चलिए, ये सिलेबस हमारा है जो कि ऑलमोस्ट हर बोर्ड में, आपका बच्चा सेकंड क्लास में है तो ईवीएस के जो सिलेबस होते हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस सोशल स्टडीज़ के हैं। तो चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ऑल अबाउट पार्ट में है, चैप्टर्स आ जाते हैं बॉडी पार्ट, फैमिली, सेफ्टी रूल्स, गुड हैबिट एंड मैनर्स, गुड टच एंड बैड टच, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 8.5 के हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है माइंड नीड्स, जिसमें फूड, क्लॉथ एंड सेटर आते हैं। 2 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 3.5, सो टोटल मार्क्स 7। माय कम्युनिटी, स्कूल एंड नेबरहुड, आवर हेल्पर, प्लेस ऑफ वर्क से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स 7 के हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा आवर कंट्री, जिसके अंतर्गत नेशनल सिम्बॉल, ग्रेट पेपर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, जिससे 2 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 7 हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स हमारा हो जाता है टॉपिक्स आवर सराउंडिंग, जिसके अंतर्गत चैप्टर्स हो जाते हैं एयर, वाटर एंड लैंड एंड एनवायरनमेंट, 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 10.5 मार्क्स। सेटल लाइफ, टाइम्स एंड डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 2 क्वेश्चंस 7 मार्क्स। अर्थ एंड स्काई, यूनिवर्स, वेल्थ एंड सीजन, 1 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और 3.5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड लास्ट हमारा होता है स्कॉलर जोन, जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड 47.5 मार्क्स के ये स्कॉलर जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। स्कॉलर जोन ऑलमोस्ट जो ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें स्कॉलर जोन कहा जाता है, जिसमें सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन हाई थिंकिंग ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बच्चे से घुमाकर इसको पूछा जाता है। तो चलिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन सैंपल के रूप में यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और टाइम हमारा 40 मिनट्स का रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल पॉल्यूट आवर वाटर, हमारे वाटर को इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जिसमें पॉल्यूट करता है। ए, थ्रोइंग चॉकलेट रैपर्स ऑन अ रोड, चॉकलेट्स रैपर को रोड पर फेंकना। बी, बाथिंग इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में नहाना। सी, बर्स्टिंग क्रैकर ड्यूरिंग दीपावली, दीपावली के समय पटाखे छोड़ना। या डी, थ्रोइंग रविश इन वाटर, नदी में कचरे फेंकना। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, थ्रोइंग रविश इन अ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कीपिंग इन माइंड आवर फेस्टिवल फाइंड द ऑड वन आउट, फेस्टिवल को ध्यान में रखकर हम इसमें से ऑड वन आउट कौन अलग है उसे हमें बताना है। ए हमारा हैप्पी होली हो रहा है, बी गुरु नानक से संबंधित है एंड डी महावीर गौतम बुद्ध की स्टैचू बनी हुई है एंड फोर्थ ये हमारा एप्पल्स और बुक रखा हुआ, सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखेंगे, सारिया इज द माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज वेल बिहेव, ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड इन स्टडी, सारिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह बहुत ही वेल बिहेव, सुंदर और अच्छी स्टडीज में अच्छी है, बट ही कैन नॉट वॉक ऑन हर लेग, लेकिन वो अपने पैरों पर चल नहीं पाती है, चल नहीं सकती है क्योंकि उसके पैर बहुत वीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल शुड बी यूज फॉर मूव अराउंड, तो इसमें से कौन सा व्हीकल है जो वह अपने को मूव करने के लिए, आने जाने के लिए यूज कर सकती है। ए बाईसाइकिल, बी ट्राईसाइकिल, सी स्केटिंग एंड डी व्हीलचेयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हीलचेयर, क्योंकि उसके पैर जो है वीक है, वो खड़ी नहीं हो, टहल नहीं पाती है, चल नहीं पाती अपने पैरों पर, तो इसीलिए
वो व्हील चेयर का यूज करेगी, किसी भी प्रकार की साइकिल का यूज नहीं करेगी। नंबर फोर, होम अमंग द फॉलोइंग विल यू नॉट कंसिडर एज वन एज आवर हेल्पर। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम हेल्पर के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते? ए कोरियर बॉय, बी प्लम्बर, सी इलेक्ट्रीशियन एंड डी सिंगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगर। सिंगर को हम हेल्पर के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन द सन शाइन वेरी ब्राइटली इन द स्काई। कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें सन बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है? ए समर, बी रेनी सीजन, सी विंटर, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए समर सीजन। नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल हाउस। इसमें से कौन एक पोर्टेबल हाउस नहीं है? पोर्टेबल हाउस क्या होता है? पोर्टेबल हाउस इज टाइप ऑफ ड्वेलिंग डेट कैन बी इजली ट्रांसपोर्ट एंड सेट अप द डिफरेंट लोकेशन। मीन्स पोर्टेबल हाउस एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऐसे सामान होते हैं जिसको कि हम अलग जगह पर बनाकर इजली कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेंट हाउस है, बी सी दिख रहा है एंड सी मूड हाउस, डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी मूड हाउस। मूड हाउस को हम कहीं भी इजली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ पोर्टेबल हाउस। नेक्स्ट नंबर सेवन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ए डू नॉट ओपन द डोर ऑफ द मूविंग व्हीकल्स। चलते हुए व्हीकल्स में हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। बी यू मे बी फाइंड नॉट फॉर नॉट यूजिंग द सीट बेल्ट व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार। हमें फ्रंट सीट पर कार पर बैठते समय सीट बेल्ट को नहीं खोलना चाहिए। सी रन क्विकली अक्रॉस द रोड। रोड क्रॉस हमें दौड़ कर करना चाहिए, क्विकली दौड़ कर क्रॉस करना चाहिए। एंड डी स्टैंड द क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस। बस के लिए इंतजार हमें क्यू में खड़े होकर करना चाहिए। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी रन क्विकली अक्रॉस द रोड। रोड पर दौड़ कर हमें क्रॉस करना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग। नंबर एट, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? ए सिक्स, बी एट, सी सेवन या डी नाइन। करेक्ट आंसर है एट। देयर आर एट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, सपोज यू नीड टू परचेज अ पेंसिल एंड एन इरेजर बिफोर गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वेयर विल यू गो टू बाई देर। मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आप पेंसिल और इरेजर खरीद रहे हैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, स्कूल जाने से पहले आप पेंसिल और इरेजर खरीदते हैं, तो वेयर विल यू बाई देर। तो इसे आप कहाँ से खरीदेंगे? इन अ ग्रॉसरी शॉप, बी इन अ केमिस्ट शॉप, सी इन अ मिल्क बूथ एंड डी इन अ स्टेशनरी शॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी स्टेशनरी शॉप। हमें पता है कि पेंसिल एंड रबर क्या होता है? स्टेशनरी आइटम होते हैं। सो आई बाय इन स्टेशनरी शॉप। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ स्पाइस। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्पाइस का? स्पाइस मीन्स मसाला। सो चलिए इसको हम जूम करके आपको इमेज को और अच्छे से दिखा देते हैं, फिर आप देखिए। तो इसमें से ऑप्शन इज स्पाइस। स्पाइस का कौन सा ऑप्शन है? ए हमारा ये देखिए ये हो रहा है जिंजर, एंड बी हमारा कौन हो रहा है? सी मैंगो, एंड डी लेडीज फिंगर भिंडी। सो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए, दिस इज जिंजर, ये हमें लग रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार आप अपने बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हिंदी या रीजनिंग का मैं लेकर आऊँगी। रीजनिंग से रिलेटेड अलग पेपर के एक एग्जाम होते हैं सिल्वर ओलंपियाड में, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।